हाय दोस्तों, मैं मासु पांडे आज आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका आज देखेंगे हम इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ में कि लेमा क्या होता है, इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, साथ ही साथ इससे कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि लेमा क्या होता है। तो लेमा क्या होता है कि प्रूविंग स्टेटमेंट होता है, पहले से प्रूफ स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि टू किसी भी इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, टू किसी भी इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो चाहे वो फोर हो, चाहे फाइव हो, चाहे फोर हो या फिर टेन हो या फिर वो ट्वेंटी या फिर हंड्रेड ही क्यों नहीं हो, वो टू से डिवाइड हो सकता है। तो बस हमने क्या कहा कि टू किसी भी इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो फिर आप बोले सर पचास को डिवाइड कर सकता है, तो 50 यदि इवेन होगा तो डिवाइड कर सकता है, तो ये इवेन नंबर है तो 2 डिवाइड कर सकता है इसको। यही लेमा है। लेमा पहले से प्रूफ होता है। पहले से प्रूफ क्या है कि 2 किसी भी इवेन नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब 50 52 से डिवाइड है कि नहीं, अब उसी मेथड का यूज करेंगे। यदि इवेन है तो डिवाइड है, तो लिखेंगे इसके डेफिनेशन में क्या होता है कि लेमा इज प्रूविंग स्टेटमेंट used for proving another statement. पहले से प्रूफ उस किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हमने बता दिया, मैं भी समझ गए होंगे आप लोग, यही होता है लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो डिवीजन हम करते हैं उसी चीज को बताया था। तो क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि जब कोई दो इंटीजर है उसे आपस में डिवाइड किया जाता है, जब किसी दो इंटीजर को आपस में डिवाइड किया जाता है तो होता क्या है। देखिए, जैसे मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए 10 को मैं डिवाइड करता हूं 3 से, दोनों इंटीजर है, हम डिवाइड करेंगे तो 3 या 9, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1। तो जब किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया गया तो उसमें एक कोशियंट होता है और एक रिमाइंडर होता है और एक डिवाइडेंट होता है और डिविजर होता है। उसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इज इक्वल टू 3 × 3 + 1, इस रूप में लिख सकता हूँ। मान लीजिए फिर मैं बोल दूँ 17 को डिवाइड कीजिए किसे? 3 से। तो डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, रिमाइंडर कितना आया? 2। इसको कैसे लिखेंगे? तो 17 इज इक्वल टू 3 × 5 + 2, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, हम बहुत पुराने क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं मूवीज, बस इस चीज को एक नया नाम दे दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन। तो अब मान लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूं, बीच वाला पार्ट है ये, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। टेन को हमने ए मान लिया और थ्री को हमने बी मान लिया, तो ये वाला जो थ्री वाला पार्ट होगा ये क्यू होगा। क्यू मतलब क्वोशिएंट, और ये जो वन होगा ये आपका रिमाइंडर होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? टेन की जगह क्या लिख देंगे? ए। इस थ्री की जगह क्या लिख देंगे? बी। इनटू इस थ्री की जगह क्या लिखेंगे? क्यू प्लस वन। ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस वन, वन की जगह क्या बनेगा? आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिखा गया आराम से। अब देखिए इस डिवीजन में भी देखिए और इस डिवीजन में भी देखिए, दोनों डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही कोशिएंट से छोटा है। जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। ये क्या है आपका? डिवाइडेंड। ये क्या है आपका? क्वोशिएंट।
और ये है आपका रिमाइंडर। अब दोनों केस में देखिए, चाहे डिवीजन पहला हो या फिर डिवीजन दूसरा हो, दोनों ही डिवीजन में आपका जो रिमाइंडर है वो डिवीजन से छोटा आ रहा है। तो जब कोई भी रिमाइंडर आप करते हैं, कोई भी डिवाइड करते हैं, तो हर डिवाइड में जो आपका रिमाइंडर होता है वो डिवीजन से छोटा होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ कंडीशन क्या दिया जाता है कि जो रिमाइंडर है आपका, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, वन है। तो वन किससे छोटा है, वन किससे छोटा है, थ्री से छोटा है। किससे बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है। इसी को हम इस रूप में यहां से देना चाहें तो जो रिमाइंडर वन की जगह क्या लिख लेंगे, रिमाइंडर होगा, वो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। किससे छोटा होगा, तो किससे छोटा होगा, डिवीजर से, यानी कि यहां डिवीजर क्या है, बी, बी से छोटा होगा या फिर ये जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर मतलब ये समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, एट को डिवाइड कीजिए टू से, टू फोर या एट, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। इसीलिए कंडीशन लगाई जाती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है कि फॉर एनी टू गिवन इंटीजर ए एंड बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, डिवाइड व्हेन डिवाइड्स ए टू बी वी फाइंड इन सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आइए इसकी डिफिनेशंस को समझ लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के डिफिनेशंस क्या होते हैं तो देख लेते हैं। तो डिफिनेशन लिख देते हैं, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर कौन, क्यू एंड आर, इस प्रकार होंगे सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है। कंडीशन क्या होगा, ये वाली कंडीशन, वेयर आर होगा रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही जीरो से बड़ा या बराबर होगा, वो किससे छोटा होगा, बी से। वेयर लिख सकते हैं, वेयर ए क्या है, ए क्या है, ए बीच वाला है, ए क्या है, डिवाइडेंट है, यार ए एज ए डिवाइडेंट और बी क्या है, बी एज ए डिवीजर, क्यू क्या है, क्यू एज ए कोशिएंट एंड आर एज ए रिमाइंडर। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का पूरा कॉन्सेप्ट है। यदि एग्जाम में आता है तो हम इसको ऐसे लगाते हैं। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स इस पर आते हैं। मे बी यहां तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कोई चीज मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट में आप नीचे लिंक कमेंट कर देंगे तो हम उस चीज को बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कि कोई नंबर है जिसको हमने टू से डिवाइड किया, कोई नंबर है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला कोई नंबर है जिसको मैंने टू से डिवाइड किया, कोई नंबर है जिसको मैंने टू से डिवाइड किया,
तो कोशियंट है जो 8 आया और जो रिमाइंडर है वो आपका 3 आया, तो बताइए वह नंबर कौन सा है। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला, डिवाइडेंट इज इक्वल टू, डिवाइडेंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी क्यू यानी 2 × q यानी 8 और 3 यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 2 = 16 + 3 यानी एक्स इज इक्वल टू 19। वह नंबर कौन सा है, 19 है। इस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछ देता है एक नंबर में, वह नंबर कौन सा है। ये सब बेसिक चीजें हैं या क्लास 6, 7, 8 में जैसा कि पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 27। एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखा है ए नंबर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 27 एज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आता है आपका 32, क्वोशिएंट है आपका 32 एंड जो रिमाइंडर है रिमाइंडर मान लेते हैं 2 है, देन फाइंड नंबर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, तो क्या करेंगे, वह नंबर कौन सा होगा, एक्स मान लेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 27 से, कोशिएंट क्या आएगा 32 और रिमाइंडर क्या है 2। तो यही तरीका, एक्स इक्वल टू 27 × 32 + 2, तो ये हो जाएगा आपका। फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है, तो यहां देखेंगे 32 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 carry 1 कैसे 22 4 और 6 यानी 4, 6 और 8, 8, 6, 4 + 2 यानी एक्स इक्वल टू 8, 6, 6, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे तब लगा लेंगे, मे बी लेमा समझ में आ चुका होगा और यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस हुआ क्या, यूक्लिड साहब ने उसी मेथड को लेकर के अपना ये नियम और रूल्स बता दिए, बस उन्होंने कंडीशन ये डाल दिया कि जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से बड़ा इक्वल होगा और किससे छोटा होगा, 20 से छोटा होगा। तो अब हम देखेंगे एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो आइए देखते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम जो है आपका, यह एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। जो एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि हमको प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में मदद कर देते हैं। तो आइए डिफिनेशन की बात करते हैं एल्गोरिथम की, कि एल्गोरिथम में एल्गोरिथम का डिफिनेशन क्या होता है, तो देखते हैं। एल्गोरिथम इज ए वेल डिफाइंड, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन
टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तुमने क्या लिखा कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसको। जैसे मैं बोल दूं कि हमको मार्केट से सब्जी लाना है, तो सब्जी लाने के लिए जब किसी पेज पे उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं कि हाँ पहले पैसा चाहिए, फिर कोई साधन चाहिए, सोर्स चाहिए जिससे हम जा सके मार्केट में, फिर वहाँ से हम सब्जी लेंगे, फिर अपने घर आएंगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया ये आपका क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। अब इस एल्गोरिथम और यूक्लिड साहब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है देखिए। यूक्लिड साहब ने एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के मेथड को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, तो वही कहलाता है एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड साहब ने कैसे डिवाइड किया, क्यों किया देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपका, अब सिंपल सी बात, दो इंटीजर पे भी लागू होता होगा। एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान दीजिए एचसीएफ दो नंबर्स का भी निकलता है, सिर्फ तीन नंबर का भी निकलता है। यहाँ आपके सिलेबस में दो या तीन दोनों दिया हुआ है, हम देखेंगे कैसे कैसे एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम इस मेथड से देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो देखिए क्या कहता है कि इट इज ए, यह एक क्या है, टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ गिवन पॉजिटिव गिवेन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये नहीं कितना, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हम यहां दो लेते हैं ए एंड बी। अब इसमें कंडीशन क्या है, वेयर कोई एक बड़ा होगा, इसमें ए इज ग्रेटर देन पी इन फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप से जो हम नीचे लिख रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा, अब वो स्टेप देखने से पहले हम जनरली कोई एचसीएफ निकालने का तरीका देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि हमें एचसीएफ निकालना है 12 का और हमें लेते हैं 225 का, ऐसे एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जनरली हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में जाएगा 12 वन जा 12 जीरो वन फाइव। अब मान लीजिए तुरंत पूरे डिवाइड कर ले पहले 1055, अब फिर कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो 8 टाइम में 96, यहां क्या होगा 15 6 11 9 0 1 बच, और फिर यहां से बच गया आपका सॉरी 9 ये होगा, ये डिवाइड करेंगे हम किस में डिवाइड करेंगे, तो 12 में डिवाइड करेंगे, 9 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 9 होगा 9,
फिर आ गया कितना 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो 9 3 3 9, रिमाइंडर 0। तो एस सी एफ मेरा क्या आ गया, तो जो ये है वही मेरा क्या है एस सी एफ, एस सी एफ हो गया आपका 3। एस सी एफ का फुल फॉर्म की बात कर लें तो एस सी एफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां हम इस तरीके से एस सी एफ निकाल सकते हैं दो नंबर का, हमने दो नंबर लिया था कौन कौन सा 12 और 225, इसका हमने एस सी एफ निकाला इस तरह। अब यूक्लिड साहब ने इस चीज को कैसे कहा, स्टेटमेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप, तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि अप्लाइड, जो दो आपको इंटीजर दिए होंगे ए और बी, दो इंटीजर दिए होंगे ए और बी, और कंडीशन भी क्या है कि ए बड़ा होगा बी से, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, लिखेंगे अप्लाई द डिवीजन लेमा, अप्लाई द डिवीजन लेमा क्या करने के लिए, टू फाइंड क्यू एंड आर। भाई जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको क्यू एंड आर, और जब क्यू और आर मिल जाएगा तो हम उसको कैसे, सच दैट, वही चीज क्या कहते हैं वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यू, वेयर वही कंडीशन लगाएंगे हम, वेयर आर जो होगा और किससे बड़ा होगा जीरो से, और किससे छोटा होगा बी से। ये कंडीशन लिखना न भूले, आगे बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट आपको, इस रूप में लिखेंगे। मान लीजिए रिमाइंडर जीरो आ गया तो ठीक है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर अगला स्टेप किया है ना, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया होता तब तो ठीक हो गया, नहीं आपका हो गया होता है यहाँ पर पेयर एस सी एफ, लेकिन नहीं आया तो हम फिर आगे बढ़ जाए। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में इतना ही है, स्टेप सेकेंड स्टेप से सॉल्व में आ गया होगा, जो दिया हुआ नंबर उसमें हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे क्यू एंड आर फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह। सेकेंड में क्या देखेंगे, देखेंगे इफ आर जो है जीरो आ गया तब तो सही है, आर जीरो आ गया तब तो सही है, एस सी एफ क्या हो जाएगा, देन एस सी एफ जो हो जाएगा, देन एस सी एफ इक्वल टू जो हम डिवाइड किए रहेंगे बी, वही आपका क्या हो जाएगा एस सी एफ हो जाएगा। लेकिन इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू जीरो नहीं आई, तो यदि आर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी तो हम फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू इस पे बी एंड आर। जैसे यहां देखिए, यहां पर मेरा बी क्या था 12 और आर क्या था 9, तो हमने फिर अप्लाई किया बी और आर पे क्या अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, और फिर ये कब तक करेंगे कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, ये अगले स्टेप में जितनी बार नहीं होगा उतनी बार हम लिखते रहेंगे। स्टेप थर्ड में देखेंगे कि कंटिन्यू रहेगा आगे, कहां तक गया जीरो तक गया है, तो कंटिन्यू द प्रोसेस कब तक, जब तक कि जो रिमाइंडर है वो बेचारा क्या नहीं हो जाए इस जीरो ना हो जाए। जीरो आ गया ठीक है, फिर द डिविजन जो होगा
एट दिस स्टेज, लास्ट में जो डिविजन आया क्या है, एट दिस स्टेज इज HCF, जो डिवीजन होगा वही क्या होगा आपका HCF होगा। तो देखते हैं कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहां अप्लाई होता है। तो कहां अप्लाई होता है लिखा हमने, इट इज ए टेक्निक, यह टेक्निक है कि टू कंप्लीट द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन, कंडीशन जो रही है वेयर कोई जरूरी नहीं कि ए ही बड़ा हो बी से, मतलब कोई दूसरा नंबर आप लिए हुए बी बड़ा होगा ए से, तो यहाँ कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। तो हम उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, ये दूसरी बार में ही आर जीरो आ गया तो एस सी वही बी हो जाएगा यानी डिवीजर, ये नहीं आया यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे बी और आर पे, अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की चीजें। हमने कहा कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं, जैसा कि वहां लिखे 12 एंड 25, उसका HCF निकालिए बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 225 बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या करेंगे उसमें, देखिए यहां पर 12 है और 225 है, तो यहां पर तो 12 पहले 225 बाद में, पहले 225 लिखते हैं उसके बाद 12 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ए ले लेंगे, इसको ले लेंगे बी, उसी रूप में है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि